अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मुस्कुर। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई अरशद शरीफ का केस, जो कि पहले हमने वीडियो बनाई थी सरपर शाम की, तो सैयद मुजम्मल साहब की भी बनाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इतवार की रात को 3 से 4 बजे के दरमियान एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई कि अरशद शरीफ, जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनको असैसिनेट कर दिया गया। और किया भी कहां गया? कीनिया में, जो कि एक अफ्रीकन मुल्क है। और इस पर एक शॉक वेव पाकिस्तान के पूरे माशरे के अंदर फैल गई कि इतना प्रोमिनेंट सहाफी इतनी आसानी से उसको मार दिया गया। और एक और बात भी पूछी गई कि वो कीनिया में कर क्या रहे थे। इसके बाद काफी अकाउंट्स, काफी स्टोरीज सामने आई। और मैंने कल अपने शो के लिए कीनिया के एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू भी किया, उनसे बात की डिटेल में। इसके अलावा काफी आर्टिकल्स पढ़े, इस्लामाबाद के 2-3 सहाफी हैं उनसे बात की जिनके पास डिटेल्ड स्टोरीज होती हैं। और उसके बाद ये वीडियो करने का फैसला किया ताकि क्लैरिटी से बात हो, कहानी ना सुनाई जाए। और इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया हो जाएगा कि हुआ क्या है, किया किसने है, वो कंक्लूड करना फिर आपका काम होगा, क्योंकि फाइनल जजमेंट देना मुनासिब नहीं होता इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले। तो पहला सवाल यह है कि अरशद शरीफ कीनिया में कर क्या रहे थे। हुआ इस तरह से कि अरशद शरीफ साहब जब से ये हुकूमत आई है तो बड़ा हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पीडीएम की हुकूमत कायम हुई है इसको भी। और कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को निकाला गया है और नाजायज तरीके से, तो वो उनका पॉलिटिकल ओपिनियन था। और उसकी बेसिस पे बैकलैश आया उनके अगेंस्ट, और इस्लामाबाद में उनको बताया गया कि आपके पास आधा घंटा है, यहां से चले जाएं, अदरवाइज आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो प्लान अरेस्ट करने का था, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको असैसिनेट करवा देना था शायद। तो ही वॉज फीलिंग द थ्रेट, और वो थ्रेट फील करते हुए वो रात के अंधेरे में पेशावर गए, जो कि उनका राइट है। और क्योंकि अगर उन्होंने फेस नहीं करना लॉ को, वो उनकी मर्जी है। और ये बाकी तमाम पॉलिटिशियन भी करते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब बाहर बैठे हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, और बड़े लीडरान बाहर चले जाते हैं। तो अरशद साहब ने भी कहा कि मुझे यहां से एस्केप करना बेहतर है। तो पेशावर एयरपोर्ट वो पहुंचे, वहां से वो लंदन पहुंच गए बाद में कुछ दिनों बाद, और फिर वो दुबई आ गए। तो बड़ा ऑब्वियस है कि दुबई के अंदर स्टे को लंबा करना कोई मुश्किल नहीं होता, आप वीजा एक्सटेंड करवाते हैं वो आसानी से हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि अरशद साहब दुबई में इतना अरसा क्यों नहीं रहे, दो ही कुड हैव लिव्ड देयर इजीली। तो बात इस तरह से है कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर था कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको एक्स्ट्रा डाइट करवा लेगी, वहां से गिरफ्तार करके वापस ले आएगी। और ये बात मैं नहीं कर रहा इससे पहले कि आप मुझे अक्यूज कर दें कि ये तुमने क्या छोड़ दिया लब्बी, ये बात अरशद शरीफ साहब के अपने वकील शुएब रजाक साहब ने की है, और ये आप देख सकते हैं उनका बयान। उन्होंने कहा जी यूएई गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि जी आप इस को बंदे को यहाँ से निकालें और वापस एक्सट्राडाइट करें पाकिस्तान में। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब आप इसको मुल्क बदर करें और इसको वापस पाकिस्तान भेजें। तो उस वक्त उनको ये चॉइस दी गई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपने पाकिस्तान वापस नहीं जाना तो आप यूएई छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं। और उनका कहना यही था कि अरशद साहब ने ये थ्रेट महसूस किया कि मुझे यहां से एक्सट्रेडिशन के थ्रू वापस ले जाया जाएगा गिरफ्तार करने के लिए। और इसी के लिए जो दुबई की यूएई की जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को तो अरशद साहब को हवाले नहीं किया, उन्होंने कहा कि आपके पास 48 घंटे हैं, आप दुबई छोड़ के चले जाएं, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ सहाफियों के मुताबिक 2-3 शख्सियात, बड़ी ताकतवर शख्सियात से मुलाकात भी हुई अरशद साहब की वहां पर, जिनसे मुजाकिरात किए गए कि अरशद साहब ने कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन वो मुजाकिरात नाकाम हो गए। यानी कि अरशद साहब कन्विंस नहीं कर पाए पाकिस्तान वापसी पर उन शख्सियात को, इसीलिए उनको वहां से जाना पड़ा। तो इस प्रेशर में अब उनके पास 48 घंटे थे कि उन्होंने यहां से कहां जाना है। तो उसके लिए यूके का वीजा उन्होंने लेने की दोबारा दरखास्त की, लेकिन उनको वीजा नहीं मिला, जो बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि अगर ब्रिटिश अथॉरिटीज को मालूम था कि ही इज अ वांटेड मैन, और साथ साथ इनके ऊपर एक्यूजेशंस जो हैं वो फ्री स्पीच के जुमरे में आती हैं कि क्यों चंद स्टांसेस ले रहे हैं इस तरह के, ये तो वीजा उनको नहीं दिया। और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको ये कहा कि आप पाकिस्तान वापस जाएं, वहां से अप्लाई करें। और अक्सर ऐसा होता भी है बाय लॉ कि आपको होम कंट्री से अप्लाई करना पड़ता है, बहुत कम केसेस में आपको कहीं ओवरसीज से वीजा मिलता है। तो अरशद साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान तो वापस नहीं आ सकता, तो फिर उन्होंने ऐसे किसी मुल्क का इंतखाब करना था जहां पर विजिट वीजा हो, यानी कि ऑन अराइवल वीजा, आप पहुंचे और आपको वीजा दे दिया जाए।
तो फिर उसमें चंद कंट्रीज आते हैं, कीनिया भी उसी में शामिल है। तो अरशद साहब कीनिया पहुंच गए और इसका किसी को नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू हिज ओन वाइफ और जो उनकी अहलियां हैं वो भी यही कहती हैं कि मुझे तक मालूम नहीं था कि अरशद साहब किस मुल्क में मौजूद हैं, बस ये बताया कि मैं किसी अफ्रीकन कंट्री में हूं इस वक्त। तो अपने वेयर अबाउट्स किसी से शेयर नहीं किए, सिर्फ चंद दोस्तों को मालूम था जो बड़े क्लोज थे, उन्होंने भी इसको पब्लिक नहीं किया। और कीनिया के अंदर अरशद साहब तकरीबन 2 से 3 हफ्ते से मौजूद थे, ये भी एक खबर आप सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली गए थे, पहले यूके में थे, ऐसा नहीं है। ही नेवर वेंट टू यूके अगेन, और वो कीनिया में ही मौजूद थे, नैरोबी के आसपास जहां पर कोई कस्बा है वहां पर रह रहे थे। उनकी वीडियो उसके बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि वो उसी तरह का लैंडस्केप आ रहा है, वो कोई ब्रिटेन अपेरेंटली नहीं नजर आता आपको। तो खैर वहां पर वो ठहरे हुए थे। और होता इस तरह से है कि अब जो किलिंग किस तरह हुई और उसके अंदर क्या स्टांसेस सामने आ रहे हैं जरा वो शेयर करते हैं आपसे। तो उसमें ये हुआ कि अरशद साहब एक बड़े चैनल के मालिक जहां वो काम करते रहे हैं, जहां अरशद साहब ने रिसेंटली रिजाइन किया, जहां से उनके मालिक ने एक बंदे को अरेंज किया जो उनके जानने वाले थे कीनिया के अंदर, उनके घर पे ठहरे हुए थे अरशद साहब उनके रेफरेंस से। और जिनके पास रह रहे थे जो होस्ट थे वो दो भाई थे आपस में, उनका एक भाई गाड़ी चला रहा था और अरशद साहब साथ बैठे हुए थे उस गाड़ी में। अच्छा ये V8 गाड़ी थी, और इसके अलावा जो इसका नंबर था ना वो MDJ और MDG, बड़ा मिलते जुलते दो नंबर थे। अब इनमें से एक गाड़ी के बारे में कहा जा रहा था कि अब से कुछ देर पहले एक वारदात हुई है वहां पे, जहां एक गाड़ी छीनी गई है और एक बच्चे को अगवा किया गया। तो अरशद साहब की जो गाड़ी थी वो भी थोड़ी देर बाद वहां से गुजरी, एलिजिडली ये कहा जा रहा है। इसका सबूत अब तक कोई नहीं सामने आया कि कोई बच्चा अगवा हुआ था वहां से या नहीं हुआ था। मैंने भी कीनियन साफी से जब पूछा तो उसने कहा कि एक बंदे ने क्लेम किया था कि मेरी गाड़ी छीनी गई है, बस और कुछ नहीं बताया। तो खैर गाड़ी जो बंदा था खुरम नाम का वो चला रहा था, अरशद साहब साथ बैठे हुए थे उसके। और हुआ ये कि तकरीबन रात 9 बजे का वक्त था कीनिया में, जब वो नैरोबी के पास एक कस्बा था वहां से गुजर रहे थे और एक कच्ची सड़क आई वहां पे, तो उसको पार करते हुए कुछ पत्थर रखे हुए थे सामने। अब होता इस तरह से ये कि मैं और आप भी अगर किसी ऐसे इलाके में रात को जा रहे हो जहां लॉ एंड ऑर्डर इतना सिक्योर्ड नहीं है, जहां पर हमें मालूम है कि कोई बैंडिट्स भी हो सकते हैं, कोई हमारा वेयर अबाउट्स जान के लूट भी सकते हैं, हमें कोई वारदात भी हो सकती है, तो हम नहीं रोकेंगे गाड़ी को। तो वो एक चेक पोस्ट नहीं बनी हुई थी जो लोग बात कर रहे हैं, वो बैरियर्स नहीं पड़े हुए थे, छोटे पत्थर रोड के दरमियान में रख के रोड को बंद किया हुआ था और आसपास कोई खास नजर भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने गाड़ी भगा दी एलिजिडली। अब इस पे भी दो अकाउंट्स हैं पुलिस के, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो अरशद साहब ने ये देखा, उनके दोस्त ने भी ये देखा कि आगे पत्थर पड़े हुए हैं, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, शुबा जाहिर किया। तो जैसे ही गाड़ी उसको क्रॉस करती है और उस पर फायर किए जाते हैं, और ये कहना कि 2 फायर हुए ये भी गलत है, तकरीबन 9 से 13 के दरमियान फायर हुए हैं जिनकी पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं। 2 फायर पिछली स्क्रीन से किए जाते हैं, उनमें से एक इतनी प्रिसीजन से अरशद साहब के सर के पीछे लगता है आके और वो आगे से क्रॉस कर जाता है, जो कि फेटल था उनके लिए। वैसे 2 गोलियां जो है वो 2 निशान है उनके जिस्म के ऊपर, और बाकी फायर जो है वो 5 एक तरफ लगते हैं दरवाजे पे, एक अगले टायर को लगता है। और इस अकाउंट से पुलिस ये बताती है कि उसके बाद में जब वो नहीं रुके तो हमें यही लगा था कि शायद जो गाड़ी जिसने बच्चे को अगवा किया है वही अरशद साहब की गाड़ी थी, उसके अंदर ही वो जो है ना वो अगवाकार मौजूद थे। तो भाई अगर बच्चा भी अंदर मौजूद था तो आप इस तरह फायर करेंगे गाड़ी के ऊपर? ये बच्चे को बाजियाब करवा रहे हैं या मारना था आपने? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपने टायर में फायर क्यों नहीं किया? मतलब आपने पूरा बर्स्ट मार दिया कि आपने 9 से 13 के दरमियान गोलियां मार दी गाड़ी को और आप उसको रोकना चाह रहे थे? तीसरा सवाल जो मैंने भी केनियन जर्नलिस्ट से पूछा, जिसका उसने जवाब नहीं दिया, वो यही था कि ड्राइवर पे फायर होता है किसी गाड़ी को रोकने के लिए अगर आपने इंतहाई इकदाम भी उठाना हो, लेकिन ड्राइवर महफूज रहा, अरशद साहब के सर में स्नाइपर की तरह गोली मार दी आपने। सो व्हाई वाज द ड्राइवर अनहार्म्ड, साइरस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? दैट्स द क्वेश्चन वी आर रेजिंग, व्हाई वाज द ड्राइवर नॉट हार्म्ड? ठीक है। और उसके बाद में होता यह है कि खैर कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि उनकी शनाख्त का मसला था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाया तो हमने फायर खोल दिया। तो उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर गाड़ी रुकी ही नहीं तो आपने शनाख्त कैसे मांग ली उनकी? उनका उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद में सबसे हैरानकुन चीज ये होती है कि उनकी बॉडी 78 किलोमीटर दूर एक अस्पताल से मिलती है, मॉर्चुरी से। 80 किलोमीटर का सफर कैसे हुआ ये भी किसी को कुछ मालूम नहीं है कि जो साइट थी, जो शूटिंग साइट थी, वहां से इतनी दूर वो कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया, कोई अकाउंट नहीं है इस बारे में। और इसके साथ साथ ये भी नहीं मालूम कि जो उनके साथ बंदा था वो अब कहां पर है,
पहले कहा गया गाड़ी उलट गई है, वो जख्मी हो गया है, लेकिन उसका भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा, ना वो बंदा सरफेस कर रहा है सामने, खुरम जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारे सवाल जो है बड़ा इजीली आपको बताते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पुलिस मुकाबला जाली था या असली था, क्योंकि जहां तक ये हकायक कहते हैं इसमें कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, ये सारा सेटअप लगता है आपको, स्टेज लगता है सारा। ठीक है, केनियन पुलिस के बारे में ये मशहूर है कि ये लोग पैसे लेके किसी को भी कत्ल कर देते हैं, और इनके डच स्क्वाड बने हुए, अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर जिसमें कीनिया की पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो मतलब अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हम लोग इस तरह से कत्ल करते रहे हैं कि पैसे लिए किसी से और किसी को जाके मार दिया। तो they were targeted, identified and eliminated. We don't arrest. We never. We are sharpshooters. तो हम अरेस्ट वगैरह करते ही नहीं है, हम मारते हैं सीधा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर यही है कि वहां जो पुलिस है अगर वो किसी लॉ को एब्रोगेट भी करे, मैंने भी जब ये सवाल किया उस सहाफी से कि इन पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या होगा, उसने कहा कुछ नहीं होगा, कोई संगीन जुर्म इनका साबित नहीं होना, मैक्सिमम नौकरी चली जाएगी, ये होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में अगर जो रिस्पांस है उसकी बात करें तो इमरान खान साहब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि उसको सिर्फ इसीलिए सजा मिली है कि वो सच बोल रहा था, यानी कि इमरान खान साहब उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं हुआ कि वो रुके नहीं गाड़ी में और पीछे से फायर खोल दिया आपने, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि अरशद साहब ने जो स्टांस ले रखा था, जो बयानिया अपनाया हुआ था, उसकी वजह से हुआ है। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी, इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। तो बेशक आपकी ओपिनियन है आप करें, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी सियासत करने के जुमरे में आता है। फिर मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत ही शर्मनाक हरकत कर दी, और उन्होंने ये किया कि अरशद साहब की डेड बॉडी के तस्वीर वाला एक ट्वीट रीट्वीट किया और ऊपर लिखा कि सबक हासिल करना इससे आपने, क्योंकि उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि कल्सूम नवाज की जब डेड बॉडी आई थी तो अरशद साहब उसको पार्सल कह रहे थे। जो भी था उनकी एडिटोरियल जो अरशद साहब की ओपिनियन थी उससे मैं बहुत डिसएग्री करता था। आपको याद होगा उन्होंने पीटीएम के बारे में, पश्तून एक्टिविस्ट के बारे में, बलोच एक्टिविस्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं जो नाकाबले बर्दाश्त थी, और ये भी कहा गया कि वो कुत्ते मार मुहिम थी कोई, और इसके अलावा और बहुत से जर्नलिस्ट पे जब हमले हुए तो उन्होंने बॉलीवुड की वीडियो शेयर की कि ये गोलियां जो इनको लगी हैं ये सारा ड्रामा है, सब दो नंबरी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें अरशद साहब ने की जो सिविल लिबर्टीज को अंडरमाइन कर रही थी, जो कि जमहूरियत के खिलाफ थी, जो कि उन्हीं लोगों के हाथ ताकतवर कर रही थी जो अरशद साहब जिनसे थ्रेट महसूस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो बंदा उसकी डेथ हो गई है तो आप उसकी एडिटोरियल पॉलिसी पे बात करें, ना कि उसकी जो लाश है उसको रीट्वीट करके उसके ऊपर अपनी मर्जी के कैप्शन लिखे लिखें कि इससे सबक हासिल करें। तो यहां पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है सारे माजरे के ऊपर, और कहा यह जा रहा है जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा इसके ऊपर, लेकिन ये आप जान लीजिए कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। साफी सलीम शहजाद की जो डेथ थी उसका क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं, जीरो। हामिद मीर कमीशन बना कि उन पर किसने फायरिंग की थी, क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं, जीरो। इसी तरह केनियन पुलिस की इंक्वायरी के अंडर आपको लगता है कोई शफाफ चीज सामने आ सकती है? जो वो रिपोर्ट्स देंगे, जो पैसे लेके लोगों को मरवा देते हैं, वो बताएंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया? तो इसका सिर्फ एक हल है कि यूएन का कमीशन बने और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन्वॉल्व हों और वो प्रोब करें इस मैटर को, क्योंकि जो केनियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी उस पर बिलीव करना उतना ही मुश्किल है जितना शायद पाकिस्तान की सॉयल पे अगर ऐसे पहले क्राइम होते रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट्स थी उस तरह। तो इसीलिए ये आप जान लीजिए कि होना कुछ भी नहीं है, कोई फर्द सामने नहीं आएगा, किसी को सजा नहीं होगी, और साथ साथ पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है। इस तरह के मर्डर्स हमेशा मिस्टीरियस रहते हैं। आपको याद होगा कि भुट्टो फैमिली की भी एक डेथ हुई थी फ्रांस के अंदर, और उसमें शाहनवाज भुट्टो जो थे वो अपने फ्लैट से मुर्दा मिले थे, जहर दिया गया था उनको, आज तक मालूम नहीं है क्या हुआ। और बहुत से ऐसे मर्डर्स हैं, नहीं मालूम क्या हुआ उनका, लंबी लिस्ट है हुक्मरानों की पाकिस्तान के भी। तो ये भी उसी लिस्ट के अंदर एक और फाइल ऐड हो जाएगी और ये बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही सहाफियों की जितनी प्रोटेक्शन है आपको मालूम है, और पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट टू लिव इन एंड वर्क इन, पांचवा सबसे खतरनाक तरीन मुल्क है सहाफियों के लिए काम करने के लिए, बेशक वो ओवरसीज रह रहे हों यहां रह रहे हों। तो इसीलिए ऐसे मुल्क में रह के ये एक्सपेक्ट करना कि यहां पे बड़ी ऑब्जेक्टिव इंक्वायरीज होंगी, कैफरे किरदार तक लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप इकट्ठे नहीं होते और सवाल नहीं करते कि जुबान बंदी करना और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 आपको हक देता है
उसके खिलाफ बात करना। बेशक अर्शद साहब की किसी ओपिनियन से मैं पर्सनली अग्री नहीं करता था, बट दैट कैन नॉट टेक अवे हिज राइट टू स्पीक। और जो उनके साथ हुआ है उसको कंडेम करना चाहिए, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और यूएन के कमीशन का मुतालबा करना चाहिए ताकि उनकी फैमिली को, उनकी मदर को, जिनके घर में 3 जनाजे आए हैं रिसेंटली, एक बच्चा फौज में था उसकी डेथ हुई हादसाती, इसके अलावा एक वालिद साहब की डेथ हुई अर्शद साहब के, और अब अर्शद साहब की अपनी जो है वो डेड बॉडी उनको रिसीव करनी पड़ेगी। तो उनको इंसाफ मिले इसको इंश्योर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे अर्शद शरीफ साहब पर, हमने आज भी एक वीडियो मतलब कल भी बनाई थी, तो उसमें भी हमने यही बोला था कि भाई क्योंकि उनके साथ भाई ज़्यादती हुई है, उनको रहने नहीं दिया जा रहा था पाकिस्तान में, अगर वो दुबई गए थे तो वहाँ से उनको निकाला जा रहा था कि इसको भाई निकालें। अगर ब्रिटिश की अगर बात करें सैयद मुजम्मिल साहब, तो वहाँ पर उसको इंटर होने की भाई कोई इजाज़त नहीं थी, वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे थे, ऊपर से अमेरिका का भी उन्होंने भाई अप्लाई किया था, वहाँ से भी नई बात बन रही थी। और हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन ये था कि कीनिया में जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, या शिनाख्ती कार्ड है, मतलब आईडी कार्ड है, उस पर कीनिया की आपको आपको मिल सकता है वीज़ा, या मतलब आप वहाँ पर जा सकते हैं, एंट्री हो सकती है। तो उनके पास भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो जाते कहाँ पर, पाकिस्तान आते तब वो ना बचते, वो कहीं और नहीं, ना बचने वाला नहीं, कि वो अपने आप को जो है ना वो अनसिक्योर फील कर रहे थे, यही सबसे बड़ा मसला था। क्योंकि जब एक फिजा चली होती है ना, तो उस वक्त हर बंदा यही कह रहा होता है कि आप के ऊपर ये मसला आ सकता है, ये तो ज़ाहिर बात है, इंसान जो है ना वो इसके ऊपर भाग दौड़ करता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है ना वो सिक्योर हो जाऊँगा। लेकिन वो आपको पता ही है किस तरह का कंट्री है कीनिया, तो उधर तो ये आपके सामने जिस तरह केस हो गया, वो आगे इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जो है ना वो बात सही कर रहे हैं कि ऊपर वाले अगर कोई करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो फिर उसका रिज़ल्ट कोई निकलेगा। लेकिन अपने ही अगर इस तरह रिज़ल्ट लेने पहुंच गया या करेंगे तो फिर उसके जो है ना वो 50-50% चांस है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो होगा। लेकिन ये कि वीडियो लेने का मकसद ये था कि कल सर प्रशांत ने इसके ऊपर जो है ना वो वीडियो बनाया, लेकिन सर मुजम्मल साहब ने जो है ना इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ जो है ना वो बताया कि ये किस तरह सीन हुआ है, क्या, क्योंकि हम ये वीडियो इसलिए ले रहे हैं कि हमारे ये 3 दिन से जो है ना वो और कोई बात डिस्कस नहीं कर रही, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक है, चाहे जो भी है, जो जिधर भी आप व्हाट्सएप पे चले जाएं, इंस्टा पे चले जाएं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो ये चीज़ सामने आएगी, और इसके ऊपर जो है ना वो सारे हर कोई बातें कर रहे हैं। सुबह उसका 2 बजे कल जनाजा भी है, उसके बाद देखो कि क्या होता है या क्या नहीं होता। लेकिन ये एक दुख भी हुआ भाई, अभी तक भी दुख हो रहा है कि जब भी उसकी हम जहाँ भी एक्टिव होते हैं ना, उसकी पिक्चर या उसकी बातें या आगे से आती हैं, तो एक दिल मतलब के काफ़ी अफसोस भी होता है देखकर, क्योंकि एक एक सोचें भी तो एक अपने आप पर भी बुरा महसूस होता है कि यार किस माशरे में हम रह रहे हैं और कैसी ये एक जालमाना हो रहा है सबके साथ, हर बंदा एक अफरा तफरी मची हुई है और कोई हाल नहीं भाई। बस इस बंदे के बाद जब भी इसको देखते हैं ना, एक हम खुद अनसेफ इधर पाते हैं कि भाई हम भी अनसेफ हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल भाई, यही बोलते हैं कि हम सेफ हैं या नहीं, पता नहीं क्या बनना है क्या नहीं, लेकिन यह है कि भाई अब देखेंगे कि इसका भाई क्या रिजल्ट निकलता है। सही बोला है भाई दूसरा सैयद मुजम्मिल साहब ने कि पहले किसी का कुछ नहीं बना, तो ये भी उनमें ही जाएंगे, तो देखें भाई अब क्या होता है। तो वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।